अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट फराजुद्दीन। हर तरफ हैं खेत ही खेत, हर तरफ हैं खेत ही खेत, और आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली माहीन उबैद। अस्सलामुअलैकुम। जी जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। माहीन, सबसे पहले आप माइक लगाइए और ये बताइए कि शिद्दत से इंतजार था, हम राह देख रहे थे, हम मुंतजर थे कि कब माहीन उबैद आएंगी और हमारे इस शो का हिस्सा बनेंगी, हमारी गेस्ट होंगी। सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी। मैं अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप दुआ करती रहती हैं तो हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ। आपने सालों लगा दिए, सालों आपकी जो फैंस हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं उन्होंने मेरा दिमाग खा लिया था। यकीन करें हर जगह कॉमेंट में, अपना डीएम चेक करूँ वहाँ पे कॉमेंट में, अपना यूट्यूब चैनल चेक करूँ वहाँ पर कॉमेंट में, अपना मोबाइल चेक करूँ वहाँ पे कॉमेंट के माहीन का इंटरव्यू करें, माहीन का इंटरव्यू करें। तो भाई माहीन आपके सामने आकर बैठ गई हैं। जो भी आप लोगों ने मुझे सवाल डीएम किए थे वो सारे सवाल आज हम माहीन से करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखें बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो लाइक वो डरती हैं, उनके अंदर एक डर होता है, लेकिन माहीन उबैद उन लड़कियों में से नहीं है। माहीन उबैद बहुत दिलेर है, बहुत बहादुर है, और ये कहती है आपको मुझसे जो पूछना है आप पूछें, मैं आपके हर एक एक लाइक सवाल का जवाब दूंगी। ऐसा ही है माहीन। आप बताएं कि आप किसी से नहीं डरती, पहले आप खुद बताएं। नहीं डरती मैं किसी से। आप बहुत दिलेर हैं। जी बिल्कुल सब कुछ हूँ मैं। आप बहुत बहादुर हैं। हाँ हाँ। आप सारे सवाल के जवाब देंगी। हाँ तो दूंगी, बिल्कुल सच कहेंगी। सच ही बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। बोला नहीं जाता, पक्की बात है। अच्छा बोल रहे, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं खाऊंगी। मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत अच्छा भाई जनाब। अच्छा जी माहीन, ये बताइए कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप गेम शो ऐसे चलेगा का हिस्सा हैं और बहुत जबरदस्त तरीके की इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आई है। अब पहले वाली लाइफ में और अब इस वक्त लाइफ में क्या फर्क है, पहले ये बताइए। फर्क कोई मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया लाइफ में, ये है जी बहुत ज्यादा चेंज आया है। चेंज आया है, थोड़ी सी कोई चेंजिंग मुझे एक्सप्लेन करें, लाइक कि क्या क्या चीजों की चेंजिंग आई है। मतलब कहीं जाते हैं तो लोग पहचानते हैं, और मुझे बहुत इतना ख्वाहिश थी ना बचपन से कि मैं कहीं जाऊं और लोग मुझे इस तरह आए। ओके, आपके साथ ये वो इस तरह में बहुत ख्वाहिश थी और माशाल्लाह से ख्वाहिश पूरी हो गई और इंशाल्लाह और आगे जाना है। अच्छा कभी ऐसा होता है कि जब आप फैमिली के साथ कहीं जाती हैं, भले कोई इवेंट हो, कोई लाइक कोई मॉल हो, तो लोग अरे वो ये माहीन, अरे तो वो ये माहीन, अरे इसके साथ तस्वीर लेनी है, कभी इस तरह हाँ, का होते कुछ हुआ ना, बाहर फेमस रेस्टोरेंट वगैरह तो अक्सर वहाँ पर होता है इस तरह। ओके शॉपिंग जब मैं जाती हूँ तो बहुत ज्यादा गंदे हालात। मेरे ख्याल से आपके साथ कुछ वो गार्ड्स वगैरह होते होंगे, चार पांच गार्ड्स, मतलब गार्ड्स इसलिए होंगे कि पूरा मॉल उठकर अगर आपके पास आ गया। ऐसा नहीं है, और मैं जब जाती हूँ ना शॉपिंग में बहुत मतलब चेंज लगती हूँ, लगती नहीं कि मैं माहीन हूँ, बहुत फुल मास्क लगा के और बाल जूड़ा बना के बहुत अच्छा, मतलब अबाया वगैरह सब आपने दे दिया हुआ। नहीं मतलब कि बस आप भी मुझे पहचानेंगे, सामने खड़ी होंगी ना। ऐसी बात है, चलें देखते हैं जी, कभी टकरा होगा तो। कभी ऐसा होता है लेकिन तैयार होकर जाती हूँ तो। अच्छा वैसे माहीन एक चीज है, वैसे तो मैंने आपको तस्वीरों में देखा है और टीवी पर देखा है, आज फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से मैं आपको ओरिजिनल देख रहा हूँ, लेकिन जिस तरह मैंने आपको तस्वीरों में देखा है उसमें माशाल्लाह तस्वीरों के अंदर और टीवी पर टेलीविजन पर आप बहुत छोटी छोटी लगती हैं। ठीक है, मेकअप, हाँ मेकअप में बहुत बड़ी लगती हूँ, लोग कहते हैं 25 साल की और 20 साल की पता नहीं क्या क्या, और जब मैं रियल एज बताती हूँ तो वो झूठ बोलते हैं, झूठी है ये वो। ओके अच्छा चले, डॉट मेकअप में वाकई अपनी एज, जो मेरी एज है ना रियल एज, वही लगता है कि मैं। ओके, वो आपकी रियल एज भी हम पता करके लोगों को बता देंगे, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको टेलीविजन पर देखा, तस्वीरों में देखा, उसमें आप लाइक बहुत छोटी छोटी लगती हैं तस्वीरों के अंदर टेलीविजन पर, और बहुत प्यारी भी लगती हैं, लेकिन अब सच ये है और हकीकत ये है, क्योंकि सच कड़वा होता है, सबको बुरा लगता है, लेकिन जब मैंने आपको आज ओरिजिनल देखा है तो माशाल्लाह वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। क्या आप देखने में भी बहुत छोटी लगती हैं। अच्छा अच्छा मतलब माहीन ने नेगेटिव सोच लिया था कि जो फराज है वो कुछ उल्टा ही बोलने वाला है। नहीं भाई, हम उल्टा नहीं बोलते, माशाल्लाह आप जैसे तस्वीरों में नजर आती हैं लुक लाइक 15 इयर्स ओल्ड, आप वैसे ही 16, ओके यू आर 16, वैसे ही आप 16 इयर्स ओल्ड हैं, जैसे आप तस्वीरों में बहुत मासूम सी नजर आती हैं वैसे ही यू आर लुक इनोसेंट, ओके, और जैसे आप बहुत प्यारी तस्वीरों में नजर आती हैं वैसे ही आप बहुत प्यारी हैं। आपके अच्छे फैंस हैं माहीन जितने भी, उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल डीएम किए, जिस तरह मैं लाइक बासित के साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ, मीर के साथ मैंने किया, लारिफ के साथ मैंने किया, और मीर जंगी के साथ किया, बलाच के साथ किया, तो ये वो सारे सवाल थे जो कि फैंस करते हैं।
और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके सवाल आते हैं आप उन तक वो जवाब पहुंचाएं। तो आपका जो भी आपके फैंस हैं जिन्होंने आपके लिए इतना प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स किए, डीएम किए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, पहले आप उनको बताएं। भाई थैंक यू, आप मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट रखे हो, मेरे बारे में आप लोग उनको डीएम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार बता रहे हैं, थैंक यू उसके लिए। चलिए जी, अच्छा माहिन यहाँ से शुरू करते हैं, आप पहले बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है। खाने में देसी, अब वो आपकी चॉइस है, देसी भी हो सकता है और अंग्रेजी भी हो सकता है। देसी में जैसे कि मुझे ना वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। वेजिटेबल्स बहुत पसंद है, कोई भी हो, बस एक दो के अलावा ना, बाकी सब बहुत पसंद है। और कोरमा हो गया, निहारी हो गई, फास्ट फूड भी पसंद है। अच्छा, आपको बड़े वेजिटेबल्स पसंद है या छोटे वेजिटेबल्स पसंद है? क्या मतलब भाई? मेरा मतलब ये है, जैसे अब मैं बात करूँ लौकी की, तो लौकी एक वेजिटेबल है, ठीक है, तो लौकी की जो लाइक साइज है वो बड़ा है। हाँ। और एक बैंगन है, बैंगन छोटा। अच्छा, मुझे ना लौकी पसंद है, बैंगन उसके लिए सब पसंद है। अच्छा, आपको लौकी भी नहीं पसंद और बैंगन भी नहीं पसंद? वही बोला। जैसे करेले हो गए, वैसे अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों में बड़ी वाली सब्जियां पसंद है, छोटी सब्जियां पसंद है? वेजिटेबल्स तो भाई वेजिटेबल्स होती है ना, बड़े ना छोटे, इसमें क्या मतलब। ओके, अच्छा से समथिंग अबाउट दानिश भाई। अच्छा दानिश भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के साथ रहे और आई बिलीव कि आप लोगों ने दानिश भाई से बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, नो डाउट ऐसा है। तो दानिश भाई के लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और मतलब समझाते रहते हैं हमें कि क्या अच्छा ही है तुम लोग के लिए, क्या नहीं, बहुत अच्छे माशाल्लाह से वो। ओके, अच्छा से समथिंग अबाउट योर टीम बासित और माजिया, उनके लिए आपका क्या रद्द अमल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत पसंद है, मैं बहुत दुआ करती हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह सीजन भी जीते, फिर नेक्स्ट सीजन हम साथ हों। माशाल्लाह जब से मैं आई हूँ ना, तब से ही वो मेरे साथ हैं वो दोनों ना, तो मुझे उनकी आदत है। ओके, अच्छा आप इतनी बड़ी स्टार हैं, तो लाइक अगर आप स्टार ना होती तो फिर क्या होती? स्टार नहीं होती तो नॉर्मल जैसे होते हैं सब लोग। नहीं, मेरा मतलब है लाइक फिर आप किस फील्ड में चली जाती हैं, लाइक आप इंजीनियरिंग की तरफ चली जाती हैं, आप मेडिकल की तरफ चली जाती हैं? मेरे इरादे की फैशन डिजाइनिंग करूँ ना आगे, तो ओके अभी भी वही इरादे की वही करना है आगे। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अभी? मैं अभी मैट्रिक मतलब की 10th के एग्जाम्स दिए हैं, फर्स्ट ईयर में मैं गई हूँ अभी। हाँ, आप मैट्रिक क्लास में पढ़ती थी, यानी कि आपने जो भी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में आप कह सकते स्टूडेंट के, मतलब जो आप रिसेंटली लाइक जो आपने पेपर दिए हैं, जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए वो आपने मैट्रिक क्लास की दी है? हाँ ना। पक्का? जी बिल्कुल। You are telling a lie, माहिन। सच में ना, आपको तो पता है। अच्छा, मेरी एज 16 है, क्या मैं किसके एग्जाम्स होंगे? You are 16 years old? जी। पक्का? जी। NIC भी नहीं बना हुआ होगा आपका? अच्छा, वो आपके पास बे फॉर्म है अभी? हाँ है। चलें वो आपका लाकर दिखाइएगा। अच्छा कभी मेरे पास अभी है फोन में। NIC है आपका? चलें बे फॉर्म है। ओके, अच्छा कभी इनबॉक्स में कोई ऐसा मैसेज आया कि आप शॉक हो गई हो देखने के बाद कि यार ये कैसा मैसेज है यार, हाउ डेयर यू यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कितने बेहूदा इंसान हो, तुम कितने बकवास इंसान हो यार, कभी कोई ऐसा मैसेज आया? हाँ होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कोई एक नहीं होता। कोई ऐसा मैसेज जो आपको याद हो? अक्सर हमसे शादी कर ले, हम ये हम हाँ? शादी कर ले। हाँ ना, इस तरह के बहुत आते हैं। ओके, अच्छा जी हमारे कैमरे के पीछे जो प्यारा सा खूबसूरत सा लड़का बैठा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ आ जाए, क्योंकि हमारी जो फेस पर लाइट है वो थोड़ी कम हो गई है, ये अब लाइट बराबर आई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भाइयों वाली, जो भी हमारे कैमरे के पीछे हमारा प्यारा सा भाई है वो इस तरफ आ जाए। ओके, अच्छा जी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पेरेंट्स ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, पेरेंट्स के अलावा कौन इम्पॉर्टेंट है? आपकी टीम मेंबर्स? नहीं, हाँ बारिश हो रही है, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है, दरअसल ओके मैं भी ऐसी जगह पर बैठा हूँ कि कुछ बोल नहीं सकता, वरना मुंह में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है कसम से बोलने के लिए। ओके जी, तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बासित के अलावा? क्या लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बासित के अलावा? बासित क्यों, बासित का नाम क्यों? नहीं देखिए मैं आपको बताऊँ, देखें ऐसे लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं, वो हमें हर अच्छी चीज़ बता रहे होते हैं, तो मतलब हम फिर समझते हैं कि यार दे आर समथिंग। जैसे अगर मैं अपनी टीम की बात करूँ तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ शहरोज भाई की, तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई आपका इंपॉर्टेंट कौन है, तो मैं कहूँगा शहरोज भाई। व्हाई? बिकॉज ही टॉट मी अ लॉट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। So,
यार मतलब यार हाउ डेयर यू यार हमारे इंटरव्यू के बीच में कोई कैसे बोल सकता है यार माइन यार हाँ मुझे बताएं यार माइन प्लीज यार क्या चीज अबे इंटरव्यू चल रहे हैं अबे यार तू अजीब बंदा यार मैं तेरे को सवाल से नहीं लग रहा ये चलो अच्छा चलो चलो वेल माइन आपने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी कि आपने अभी रिसेंटली पेपर्स दिए हैं अच्छा शताज खान के लिए आपको कोई मैसेज बहुत अच्छी है जब मैं शुरू शुरू में आई थी झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है मैं झूठ क्यों बोलूंगी मैं झूठ बोलती नहीं मैंने पहले ही आपको बताया है ना हाँ वो बहुत अच्छी मुझे बहुत समझाती पता नहीं मुझे क्यों बुरी लगती है शताज खान बहुत बुरी लगती है आपको लगती होंगी ना मुझे तो नहीं लगती पक्की बात है हाँ पक्की बात है जो वो लिपस्टिक लगाती है रेड कलर की सही लगाती है अच्छा उसको अच्छी लगती है उन पर बिल्कुल अच्छी लगती है पक्की बात है ओके अच्छा सोशल मीडिया पे लोग आपको लाइक क्रिटिसिज्म वगैरह करते हैं कुछ तनकीद वगैरह आती है सोशल मीडिया पे आपके लिए नहीं आती है सब प्यार करते हैं पहले होता था अब नहीं अब बहुत प्यार करते हैं पक्की बात है ओके अच्छा आपको किसी से कॉम्प्लेक्स फेयर है यार कभी कुछ इस तरह का लाइक वो होती हो जैलिसी होती हो यार ये लड़की कितनी प्यारी है यार कितनी गोरी है यार कितनी गुलाबी है यार कभी ऐसा कुछ हुआ पक्की बात है अच्छा आपकी लाइफ का कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइक आपको लगता हो कि यार मेरी लाइफ का सबसे घटिया तरीन वो मोमेंट था कोई ऐसा जो आपको अभी तक याद हो मुझे ओ भाई अल्लाह मुझे थोड़ी बताना है इनको बताना है ना आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनको बताना है अच्छा ऐसा कोई है ही नहीं फिर भी आपको कुछ याद हो कुछ टूटा हो कुछ मिला हो कुछ जुड़ा हो नहीं कोई रोया हो कोई रोई हो नहीं नहीं ऐसा किसी से दोस्ती खत्म हुई हो हाँ दोस्त वगैरह जो होते हैं उनसे दोस्ती खत्म होती फिर अच्छा वो एम्बैरेसिंग मोमेंट है आपका तो वो कौन दोस्त था आपके जिससे आपकी दोस्ती खत्म हुई हाँ है कुछ दोस्त मतलब के पुराने दोस्त हैं अच्छा स्कूल के दोस्त हैं नर्सरी में पढ़ते थे आपके साथ वो तो याद भी नहीं कौन थे दोस्त अरे दोस्ती भूल गई माहिर दोस्त दोस्त ना रहा ओके अच्छा जी जनाब अब हम चलते हैं डीएम की तरफ अच्छा डीएम हमारा जो सेगमेंट है बेसिकली वो सेगमेंट होता है कि जो आपके फैंस हैं आपसे प्यार करते हैं आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आपको देखना चाहते हैं स्क्रीन पे वो चाहते हैं कि जो हमारे फेवरेट हैं वो बड़े होकर कुछ बने अच्छा तो आप क्या बनेंगी बड़े होकर आपकी जो इंस्पिरेशन है वो क्यों है किससे है कि यार मुझे फैशन डिजाइनर बनना है क्यों सोचा आपने बस शुरू से शौक था ओके वेल तो जनाब मेरे सामने आ गए डीएम क्वेश्चंस ओके और इनके सवाल आपको देना है जो आपका फैन है या फैन होगी उसका नाम लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा ओके जी आपकी फैन है उनका नाम है फातिमा फातिमा का सवाल है आपका फैमिली में कौन क्लोज है मम्मा। फैमिली में मम्मा पापा भी हैं मम्मा से ज्यादा बातें शेयर करती हूँ ना okay. क्योंकि मतलब लड़की मतलब मम्मा से ज्यादा बातें शेयर करती है तो ये है ओके okay, अच्छा जी अगर टिकटॉकर गेम शो में नहीं होते अगर टिकटॉकर्स गेम शो में नहीं होते मतलब टीम या मतलब कि सब लोग जो होते हैं पूरी जो टीम है अगर टिकटॉकर गेम शो में नहीं होते तो फिर वो लोग क्या होते ये सवाल है परीसा लव रिंड जी का उधर क्यों देख रही है उधर कौन खड़ा हुआ है मैंने यहाँ पे नाम लिया परीसा लव रिंड जी का वो माइन वहां देख रही है नहीं वो मैं आंखों में कुछ अच्छा अच्छा कुछ हो रहा है आंखों में ओके क्या होते फिर वो मतलब वो कुछ काम कर रहे होते किसी कंपनी के अंदर हाँ, कुछ ना कुछ कर रहे होते हर किसी का अपना मतलब होता है कि हमें ये करना है वो करना है ओके अच्छा किससे लव हुआ अभी तक किसी से लव हुआ अभी तक ये सवाल है कहकशा का लव मतलब प्यार है यस नहीं नहीं मैं यस प्यार लव अच्छा आपकी नजर में पहले बताएं कि व्हाट इज लव लव क्या है मुझे पता ही नहीं क्या होता है ये आपको नहीं पता करा भी नहीं नहीं देखें 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 बेसिकली मैं आपको बताऊं बेसिकली लव जो होता है ना देखें अब जरूरी नहीं है कि लव किसी लड़के से हाँ किसी से भी हो लव पेरेंट्स से होता है लव ब्रदर्स से होता है लव सिस्टर्स से होता है तो आपकी नज़र में लव क्या है आप क्या समझती हैं लव को यही कि मतलब जो आपको समझता है और मतलब इसी तरह मैं कोई नहीं समझा सकती ओके अच्छा जी ओके अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर आ रहा है और वो सवाल है बासित और लारेब में से किसी को भाई बनाना पड़े तो किसको बनाओगे भाई यस भाई पक्का वाला भाई राखी बांधनी पड़ेगी राखी राखी भाई भाई तो सिर्फ एक ही होता है okay. जो मेरा है घर में ओके okay. वो नहीं घर वाला तो भाई है भाई ये सवाल है
हीना बलोच का, हीना बलोच का सवाल है, बासित और लारिब में से किसी को भाई बनाना पड़े तो किसको बनाऊंगी? हीना बलोच का सवाल है ये। लारिब, ओके जी, आज एक दफा बोल देना लारिब। ओके जी, लारिब का नाम ले लिया जनाब, और आगे बढ़ते हैं सवाल को लेके। हमारे स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है, फरिया का सवाल है, स्टडीज क्या कर रही हो भाई? उन्होंने बता दिया है कि ये अभी उन्होंने रिसेंटली मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं और फर्स्ट ईयर में आ गई। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो आप आई हो तो आपने कौन सा लाइक सब्जेक्ट लिया है? आप अभी मेरे डिसाइड नहीं हो रहा मुझे। ओके, लाइक आप इंजीनियरिंग में आगे कंटिन्यू करेंगी, कॉमर्स में आगे जाएंगी, प्री मेडिकल में जाएंगी? कॉमर्स का मैंने सोचा है, लेकिन सब कह रहे हैं कि उसमें परसेंटेज आके अच्छी नहीं आती ना। किस में नहीं आती? कॉमर्स में। मतलब भाई सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस टाइम पर। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगी या प्री मेडिकल करेंगी वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हल्का फुल्का सा कहीं आपको जो एज मिलता है वो कॉमर्स के अंदर मिल जाता है। तो अब आप बताएं कि आप कहाँ पे एडमिशन लेंगी? SRE इंटर में। वो तो लेंगी, लेकिन इंजीनियरिंग में लेंगी, प्री मेडिकल में या कॉमर्स में? कॉमर्स सोचा है मैंने। कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स आपने घर वालों के कहने पर सोचा है, आपकी खुद की ख्वाहिश है कि यार मुझे कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहिए? खुद मैंने सोचा है, बाकी जी पढ़ना तो मुझे ही है। पढ़ना आपको है। ओके, फातिमा बलोच का सवाल है, बॉयज का कौन सा नाम फेवरेट है? लड़कों में कौन सा नाम आपका बहुत फेवरेट है, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? फातिमा बलोच का सवाल है ये। मुझे कौन सा नाम चाहिए? जी अच्छा। मेरे मेरे फराज के अलावा बताइएगा। मुझे अशर पसंद है। अशर तो मेरे भाई का नाम है। ओके जी, तो जितने भी अशर हैं आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि क्योंकि माहिर उबैद को अशर नाम बहुत पसंद है। ओके जी, इकरा का सवाल है, टिकटॉक वीडियोस किसके साथ बनाना पसंद है, लारिब या बासित? इकरा का सवाल है, टिकटॉक वीडियोस किसके साथ बनाना पसंद है? साथ दोनों के साथ नहीं। सीरियस यार, इसको पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए था यार। ये तो बहुत समझदार हो गई लड़की यार। ये यार वैसे दोनों के साथ पसंद नहीं है, क्यों यार? दोनों कितने प्यारे हैं, दोनों इतने अच्छे हैं, दोनों ख्याल रखते हैं यार एक दूसरे का यार, सब का यार। मानती हूँ तो क्या मतलब, वीडियोस बनाने का शौक नहीं है इतना भी कोई? आपको नहीं, उनको नहीं है? मुझे भी नहीं है उनका, मुझे पता नहीं। अच्छा, और यार मुझे भी नहीं है उनका, मुझे पता नहीं। वेरी गुड यार, अगर आपने ऐसा सवाल क्यों लिखा जिसमें इसको जवाब देना नहीं आ रहा। ओके जी, अरीज का सवाल है, अरीज का, किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती हैं आप? शादी में अभी तो मैं सोच बहुत छोटी हूँ, तो फिर भी बता देती हूँ। लेकिन एक लड़की के ख्वाब होते हैं कि यार मेरा जो सपनों का महाराजा हो, राजकुमार हो, वो ऐसा हो तो कैसा हो? ऐसा हो तो कैसा हो? बहुत मतलब ना केयरिंग करने वाला हो, okay, ख्याल रखने वाला हो, ख्याल रखने वाला। हाँ ना, ओके, रिस्पेक्ट करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, समझता हो मुझे, आपको समझता हो। आर यू डिफिकल्ट? आपकी बातें सुन के कौन हंस रहा है? उसकी हंसी देख ली मेरी, आंखें बहुत चलती है चारों तरफ। कौन हंस रहा है? अच्छा सही है, ठीक है, मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। जी आप बताए, मैंने आप कंटिन्यू करें, किस तरह का लड़का पसंद है आपको आज बता दें आप? देखिए ये सवाल मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा है, मैंने जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आगे बैठी हैं मैंने उन सबसे पूछा है, तो आप भी बता सकती हैं। अच्छा बताया मैंने आपको, और कैसे समझाऊं कैसा हो? कैसे समझाऊं कैसा हो? कैसे समझाऊं मतलब क्या? कैसे समझाएगी माइंड कि वो कैसा हो? हाँ, तो बताएं आप, बताएं आप। अच्छा मैं आपकी हेल्प करूँ? हाँ, ओके। उसकी हाइट कैसी हो? मतलब उसकी हाइट लंबा कम हो, नॉर्मल हो, या बहुत ज्यादा हो, या उसकी हाइट छोटी हो? लड़का टॉल होना चाहिए। ओके, उसका कलर कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, येलो होना चाहिए? खूबसूरत लड़के की ख्वाहिश नहीं है, मतलब नॉर्मल हो। ओके, अच्छा उसकी आंखें कैसी हों? आंखें सबकी आजकल ब्लैक ही होती है, सब्जी आजकल ब्लैक होती है, तो उसकी भी ब्लैक हो, ब्राउन हो, ओके, लाइट ब्राउन हो, ओके। अच्छा वो दिखने में कैसा लगता हो, लाइक शाहरुख खान ने मिलता हो, सलमान खान ने मिलता हो, अमिताभ बच्चन ने मिलता हो? बस अच्छा होना चाहिए, शक्ल से क्या करना है? ओके, अच्छा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, वो MS किया हुआ हो, उसने बैचलर्स किया हुआ हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों पे आगे बहुत ज्यादा
बच्चों पर इफेक्ट करती है चीज़, अगर अगर बाप पढ़ा लिखा नहीं है तो बच्चों पर इफेक्ट करेगी ये चीज़, आगे जाके बच्चे बोलेंगे आपने ये पढ़ा, बातें सुनने को मिलती हैं ये सब। ओके मायना, इतनी समझदार कैसे हैं पहले मुझे ये बताएं यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा माशाल्लाह आप हर एक सवाल का परफेक्ट जवाब दे रही हैं बिल्कुल। ओके आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा महानूर का सवाल है, फेवरेट पर्सन इन गेम शो, आई मीन योर फेवरेट पार्टिसिपेंट इन गेम शो, मेल फीमेल बोथ, कोई भी हो सकता है, एक एनी वन। देखिए 12 कंटेस्टेंट है आपको मिला के गेम शो में, आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे बचे 11, तो उन 11 में से आपका फेवरेट कौन है? कौन है? यस, एक का नाम बताना है, वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है, सभी अच्छे हैं। नहीं एक का नाम लेना, अभी देखें सवाल है जिसको आप समझ नहीं कर, ये बहुत ज्यादा बेहतर है, ये लड़का या ये लड़की बहुत ज्यादा बेहतर है, उसका नाम क्या है, कोई भी एक बता दें, मसला नहीं है। सब अच्छे हैं ना? ओ हो तो सब अच्छे हैं, मुझे पता है, एक का नाम लेना है खाली आपको, इसमें लिखा हुआ है भाई एक का नाम पूछें खाली। भाई देखिए वो अगर मैं लड़की की बात करूँ, लड़की शफक, वो शफक क्या रहा हूँ अल्लाह, मैं शफक बोल दूँ उसको, कश्यप, और कश्यप है और जरनाब है और उसका नाम क्या है, शताज है, कोमल है और अभिया है, रबीक है, मतलब बहुत सारे कंटेस्टेंट, आफरीन, बढ़नी, सीरियस यार तो मेरी भी फेवरेट है यार, आफरीन कहाँ हो तुम यार, तुम शो में क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हारा तुम्हारे दोस्त कर रही हूं आपको बहुत। हाँ यार अच्छा आफरीन बढ़नी की आपको क्या चीज अच्छी लगती है लाइफ? बिल्कुल मुझे ना बच्चों की तरह ट्रीट करती, मतलब बहुत केयरिंग, मतलब मारती है आपको बच्चों की तरह? नहीं मतलब बड़ी बहन जैसे होती है, बिल्कुल सेम वैसी फील आती है उनमें से ना। ओके अच्छा जी, नूर का सवाल है, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स, आपके गोल्स क्या क्या हैं मुस्तकबिल के, आपने कुछ प्लानिंग की हो, कुछ सोचा हो क्या मुझे लाइफ में ये करना है ये बनना है? मैंने सोचा नहीं, नहीं मतलब कुछ तो सोचा होगा ना लाइफ के बारे में कि मुझे ये करना है या ये बनना है, मैं ये करना चाहती हूँ क्या, ये मेरे ख्वाब हैं, कुछ इस बारे में कभी कुछ सोचा हो, उसमें से कुछ दो तीन शेयर कर दें। सोचा था बचपन में ऐसे जो होता था, लेकिन अभी कुछ माइंड ना मतलब ये चेंज होता रहता है कि कभी ये तो कभी वो तो कभी वो, इस तरह। ओके मतलब चेंज होता रहता है। ओके जनाब अच्छा जी, आयशा अकरम का सवाल है, योर फेवरेट टिकटॉकर इन मेल, यानी कि आपका लड़कों में फेवरेट टिकटॉकर कौन है, यह सवाल है आयशा अकरम का। इसमें मुझे दिमाग में कोई आ ही नहीं रहा है टिकटॉकर। भाई इतने सारे टिकटॉकर्स हैं, भाई इतने सारे टिकटॉकर्स हैं यार। गौसे गुरु का नाम सुना है आपने? जिसके 50 मिलियंस फॉलोवर्स हैं टिकटॉक पे, 50 मिलियंस। उनके नाम शायद फराज हुद्दीन है। जी जी, उनको आप पसंद करती हैं ऐसा टिकटॉकर? नहीं नहीं अच्छा नफरत करती हूँ उनसे आप? ओके ठीक है। नहीं नहीं ना नफरत करती हूँ ना मुझे। ओके ना नफरत करती हूँ ना प्यार करती हूँ। ओके ओके मतलब रिस्पेक्ट यार, मेरा मतलब है रिस्पेक्ट, बिकॉज लव इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। तो जल्दी बताए ना उनका नाम कौन है, वो खुश नसीब फेवरेट योर टिकटॉकर इन मेल। दिमाग में ही नहीं कोई आ रहा, दिमाग है ही नहीं कोई। अच्छा अच्छा दिमाग में कोई नहीं आ रहा। ओके जी भाई, इन्होंने सवाल नहीं दिया आयशा अकरम आपके, मैंने बड़ी कोशिश की कि सवाल का जवाब दे दे, नहीं दिया। बासित माय हार्ट या आई थिंक कोई आपका फैन पेज है, उन्होंने आपका पसंदीदा कलर मालूम किया है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। ब्लैक, और ब्लैक सबसे ज्यादा, उसके बाद और भी आते हैं। ब्लैक के बाद कौन सा है? रेड येलो, रेड येलो और डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। और ओके अच्छा जी, उस्मा मलिक का सवाल है, एजुकेशन क्या है? अल्लाह एजुकेशन बता दी भाई, इसने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं चीटिंग करके, वन ग्रेड आएगा। चीटिंग क्यों करूंगी मैं, इतनी स्ट्रिक्टनेस थी ना, चार टीचर सर पे खड़े हुए थे हमारे एक क्लास में, चार टीचर्स। हाँ ना वही तो। तो मतलब अगर कोई चीज आपकी गिर जाए नीचे तो आप उठाना था आपको? हाँ, परमिशन थी कि आप उठा लें? सबसे ज्यादा मेरी चीजें गिर रही थी। क्या क्या गिर रहा था पेपर से दौरान आपका? सब कुछ, स्केल गिर रहा था, कोई पेन गिर रहा, मतलब नीचे दुखती तो वो मुझे यूं देख रहा, और ज्यादा समझ नहीं हमें चीटिंग करने के लिए। यार एक तो जिस बंदे का मोबाइल मेरे हाथ में अभी है ना, दिल चाह रहा उसके सर पे देके मार दूं, बार बार बंद हो रहा है यार ये मोबाइल। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, माही का सवाल है, स्कूल में चीटिंग की कभी की होगी वैसे यार? स्कूल में हाँ वो तो, लेकिन चीटिंग मुझसे होती नहीं अक्सर, मैं चीटिंग करते हुए ना पकड़ी जाती हूँ, मैं करवा रही होती हूँ। हाँ। बल उल्टा मुझे, अच्छा उठो तुम वहाँ से जाके उधर, आप करवा रही होती हैं चीटिंग? हाँ करवाती हूँ ना, तो उल्टा मुझे टीचर शक करती है कि मैं कर रही हूँ, और मुझे उठा के दूसरे कोने में उठा के फेंक देते हैं ना, वहाँ जाके बैठ जाए। ओके अच्छा जी, माही इनका कोई सवाल है, आपके कोई फैन है माही, उनका सवाल है, पाकिस्तान में कौन सी प्लेस आपकी फेवरेट है? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज ओके, माही
एक्स लाइफलाइन का सवाल है, आपके फैंस आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। कितने इम्पोर्टेंट है बताएं? अगर फैंस नहीं होते उनका इतना प्यार होता है, मैं इतना मोटिवेट करते हैं, मुझे खास तौर पे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे कुछ भी होता है ना तो वो आ जाते हैं कि ऐसा नहीं, आप अपना दिल छोटा नहीं करें, ये वो ना, मतलब आपकी बहुत केयर करते हैं। ओके, अच्छा आपकी एक फैन है, इनका नाम है मीनू। ओके, मीनू का सवाल है, घर में कभी मार पड़ी? घर में कभी पिटाई लगी? पड़ती है, मारती है। अभी मारती है मम्मी? हाँ, मैं गुस्सा आता है, मैं मार देती हूँ। कहीं भी होती हूँ ना, मम्मा देखती है ना कहाँ है, शादी में कहीं जा रही हूँ या कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह, थोड़ा मार देती हूँ। आंटी, आंटी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे मेरी एक इल्तिजा है, मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप माशाल्लाह आंटी कितनी प्यारी हैं, आंटी आप कितनी खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने आपको हुस्न दिया है, हजारों में एक बनाया है, लाखों में एक बनाया है, मैंने आपकी पिक्चर्स भी देखी है, माहिन ने मुझे इंस्टाग्राम पे दिखाई है, आप कितनी प्यारी लगती हैं आंटी, आप क्यों मारती हैं माहिन को, प्लीज आंटी मत मारा करें, प्लीज उसको समझा दिया करें, उसके साथ बैठ के जो उसकी गलती है उस पर बात कर लिया करें कि माहिन अब तुम नेक्स्ट टाइम में गलती मत करना, लेकिन प्लीज मत मारा करें, झाड़ू से मत मारा करें, वाइपर से मत मारा करें, हाथ से मारती है कोई, मत मारा करें आंटी प्लीज, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट। अच्छा जी, अगला सवाल है, ये कितना मुश्किल नाम लिखा हुआ है जनाब, ये क्या अना उमता, मैं समझा आत्मा लिखा हुआ है, अना उमता का सवाल है, ANAUMTA, अना उमता, अगर किसी और टीम में जाने का चांस मिले, कभी नहीं मैं सोचती हूं, किस टीम में जाएंगे? बहुत ज्यादा रोना आता है, मतलब इंस्टाग्रामर्स को, आप इंस्टाग्रामर्स की टीम को आप कभी नहीं छोड़ेंगी? कभी नहीं। अच्छा, इंस्टाग्रामर्स में जो कंटेस्टेंट है उनको नहीं छोड़ेंगी या टीम को नहीं छोड़ेंगी? जो मेरे साथ है ना मांस और बात, उनको नहीं छोड़ना, और यही टीम रहेगी हमारी हमेशा, यही टीम रहेगी इंशाल्लाह, कभी नहीं छोड़ेंगी। ओके जनाब, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ओ मामा का सवाल है, किसी मेल कंटेस्टेंट टीम मेट बनाने पड़े तो किसको चूज करेंगे, यानी कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए कि आपके सामने सिर्फ मेल कंटेस्टेंट हो गेम शो के और आपको उसमें से दो निकालने हो, तो किसको निकालेंगे अपनी टीम के लिए? अपनी टीम के लिए यस, आपको टीम बनानी है, इस टाइम पर आप कैप्टन हैं और ये अथॉरिटी आपके पास है कि भाई सारे मेल कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं और सारे मेल कंटेस्टेंट यहाँ पर खड़े हुए गेम शो के, तो आपको सिर्फ दो लेने अपने पास, दो कंटेस्टेंट, तो कौन से वो खुशनसीब दो कंटेस्टेंट होंगे? माज़ और वासिद। पक्का? पक्का। नहीं करो यार, सच में क्या हुआ तेरा वादा, मोहम्मद रफी साहब का गाना मुझे यहाँ पर याद आ गया हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आप तैयार हैं? पक्का? आगे आगे बढ़े, आप तैयार हैं? ओके जी, अगला सवाल है, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप, बहुत अच्छा खेल रही हैं, 50 लाख रुपए जीत चुकी हैं माहिन उबैद। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा जी, माहिन मीनू का सवाल है, कोई ऐसा लम्हा जो कभी लगा हो मैं लाइफ में अकेली हूँ और सैड हूँ, मतलब कोई ऐसा लम्हा लाइफ है जिसमें आपने अपने आप को तन्हा महसूस किया हो और अकेला महसूस किया हो, कभी कोई ऐसी चीज़ लाइफ में हुई? जब मैं ऐसे कुछ फील कर रही होती हूँ ना मम्मा से, ना मम्मा के पास चली जाती हूँ, अपनी बातें, यार इरज के पास भी चली जाया करो कभी यार, वो भी बहुत अच्छी है यार, उससे भी बात कर लिया करो यार, इरज देख लो कैसी बहन है तुम्हारी यार, कितना ख्याल रखता हूँ मैं तुम्हारा, उसका भी ख्याल रखते हैं मैं यार, मेरा मतलब है ख्याल उस सेंस में रखता हूँ कि लाइक आपकी बहन है तो वो भी आपकी तरह बहुत अच्छी होगी, उससे भी हाँ करती हूँ, तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप क्या समझ रही हैं, आप भी बस बहुत नेगेटिव हैं यार, माहिन यार आपसे उम्मीद नहीं थी यार, आप जिस तरह बोल रहे थे उससे कोई भी इंसान नेगेटिव ही लेगा। अच्छा जी, अब्दुल बासित अक्सा का सवाल है, गेम शो में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और कौन था, कौन है और कौन था, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी माहिन, बेस्ट फ्रेंड कौन था? हाँ। कौन सोचो, सोचो 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 सोचूं क्या मैं, मतलब क्या मतलब, फिर बताओ, बेस्ट फ्रेंड मैं बनाती नहीं हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाती, मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड बनाती हैं, बेस्ट मतलब फ्रेंड होते हैं सब नॉर्मल, ओहो सारे नॉर्मल फ्रेंड बनाती हैं, फिर मेरे पास एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, बड़ा खतरनाक, पूछ लो कैसा, कितना खतरनाक, बहुत खतरनाक सवाल है, बहुत अच्छा, पूछो जवाब देंगे आप? चलें जी आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहा हूँ यार, स्टैनिंग ये क्या लिखा हुआ है, महासित महीसद, तो भाई ये जो आपके जो फैन बेजिस हैं लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, महीसद महूसद महसद महासित, क्या हो गया यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टैनिंग महासित, इनका सवाल है, बासित ज्यादा सपोर्ट करता है आपको या माज, यानी कि बासित जब आप खेलने जाती हैं तो उस वक्त बासित और माज में से आपकी एप्रिसिएशन
कौन कर रहा होता है ज्यादा, कौन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा होता है कि ऐसे खेलो वैसा खेलो ये वो, ये बताएं। दोनों। ओके जी जनाब, तो हमारे जो डीएम वाले क्वेश्चंस थे वो तो हुए खत्म, और अब मेरे पास है कुछ मजे मजे के रैपिड फायर जो मैं जनाब करूंगा इनसे। क्या नाम है आपका? माहिन उबैद से। और जनाब रैपिड फायर आपको जल्दी जल्दी बताना है। अच्छा जी माहिन, आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? ओके जी, ये बताइए कि प्यार एक बार होता है या बार बार होता है या होता ही रहता है? लोगों को तो होता ही रहता है। लोगों को तो होता ही रहता है। ओ माय गॉड, तो मतलब लोग कितने सारे दिल लेकर घूम रहे हैं यार, मतलब आपके लिए होता ही रहता है। इनसे पूछे ना जो करते रहते हैं। ओके यार, ये कौन कर रहा है, ये कौन किसको बोल रही है, ये किसको किसको बोलना चाह रही है लड़की, मुझे बताएं आप किसको बोल रही है, किसको होता रहता है, जो आप मुझे बताएं। नहीं, एक बात आपने पूछी, नॉर्मल इसका जवाब दिया मैंने। अच्छा आपने जवाब दिया। ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, मेरा गला भी बैठ गया। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, लारिब या बासित? बासित। ओके, रात को जल्दी सोना या आराम से सोना? आराम से, जब भी नींद आ जाए। मतलब कब तक नींद आ जाती है आपको? 3 बजे तक 4 बजे तक 5 बजे तक 4 बजे इस तरह। ओके, जल्दी उठना या आराम से उठना? आराम से उठना। ओके, सिंगर्स और एक्टर्स? ओके, रोने वाला बच्चा या शरारती बच्चा? शरारती बच्चा, जो चुलबुली करता हो। हाँ। लेकिन मैं बहुत तंग नहीं करता शरारती बच्चा, जो होता है यहाँ भी घुस रहा है वहाँ भी घुस रहा है। रोने वाले बच्चे भी बहुत बुरे लगते हैं ना, बहुत रोते रहते हैं। बैं। 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 ओके। अच्छा, नाक टिश्यू से साफ करना या रुमाल से? टिश्यू। ओके, मीठा और खट्टा? मीठा। ओके, कोल्ड या हॉट? कोल्ड। ओके, दाल चावल या सिर्फ दाल चावल? दाल चावल। सिर्फ दाल चावल? दाल चावल या सिर्फ दाल चावल, मतलब कि दाल चावल चम्मच से खाना या हाथ से खाना? हाथ से खाना। ओके, चॉकलेट्स और आइसक्रीम? आइसक्रीम। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स? वेजिटेबल्स। ओके, बासित या मांस? ना हो, जवाब एक का देना है, जवाब एक का देना है। अरे यार अब बासित। बासित। ओके, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स? वेजिटेबल्स हटाया ना। ओके, भिंडी या पालक? भिंडी। ओके, चाय में? ओके, चाय में पत्ती तेज या दूध तेज? मैं चाय नहीं पीती। यू डोंट टेक टी, व्हाई? अच्छी, पहले बचपन में पीती थी, अब नहीं पीती। ओके, अच्छा, ब्राइडल शूट्स या फैशन शूट्स? फैशन। ओके, वर्कआउट एट होम और जिम? एट होम। ओके, विंटर और समर? विंटर। ऑटोग्राफ और सेल्फी? सेल्फी। ओके, सिंगिंग और लिसनिंग? लिसनिंग। लिसनिंग। ओके, लाफिंग और स्माइलिंग? स्माइलिंग। ओके, हल्के हल्की आवाज में हंसना या जोर जोर से दांत फाड़ फाड़ के हंसना? आवाज में ना, लड़कियां जो है ना हल्की आवाज में तरीके की लगती, जो हंसती ना मतलब समझ के ना, वो अच्छी नहीं लगती। ओके ओके, टीवी और रेडियो? ओके, हैप्पी सॉन्ग और सैड सॉन्ग? सैड। ओके, देसी खाना और अंग्रेजी खाना? देसी। ओके, कैट्स और डॉग्स? कैट्स। ओके, कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा? दोनों प्यारे लगते हैं। दोनों प्यारे लगते हैं। ओके, अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें से मैं गेम शो के कंटेस्टेंट हमारे जो है मैं उनका नाम लूंगा, ठीक है? तो आपको उनकी एक उनकी एक अच्छी चीज़ बतानी, एक बुरी चीज़ बतानी, और आपको उनको नंबर देने, 100 में से आप कितने नंबर देंगे? ओके, बलाज, बलाज की पहले वो एक अच्छी चीज़ बताएं। अच्छी चीज़? बहुत समझदार लगती है। समझदार है। नेगेटिव चीज़? नेगेटिव मुझे नहीं पता क्या है, मतलब सही है, लगता है बहुत जज्बात है, गुस्सा तेज है, मतलब गुस्सा तेज आते हैं उनकी नेगेटिव। हाँ। चीज़ हो गई। और उनके उनको 100 में से कितने नंबर देंगे आप? 100 out of 100 90 कितने? 90 ओके, 90 नंबर दिए मुझे। अच्छा जी मीर जंगी, पॉजिटिव चीज़ बताएं। फनी है काफ़ी। फनी है। ओके, नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव मतलब जो तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। ओके, उनको कितने नंबर देंगे 100 में से? 90 नंबर। ओके, शहजराज? शहजराज अच्छे हैं वो। अच्छे हैं। ओके, उनके नेगेटिव चीज़ क्या है? क्या बहुत अच्छे हैं वो? ओके, नेगेटिव उनमें वही तो आपने ऑब्जर्व की होगी एक साल के अंदर, यार क्या हो गया यार? यार पता नहीं, मुझे नहीं पता। ओके, अच्छा, 100 में से कितने नंबर देंगे उनको आप? 85 15 नंबर किस चीज़ के काटे बताएं, 15 नंबर किस चीज़ के काटे ये बताएं। बस ना, क्या है आपको? ओके, अच्छा, बासित? बासित अच्छे हैं बहुत। बहुत अच्छे हैं तो सबको पता। हाँ। है, और उसके अलावा? उसके अलावा बस अच्छे हैं ना। अच्छा, केयरिंग है। हाँ, केयरिंग। ओके, नेगेटिव चीज़?
बासित की सेम, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है। ओके यार बासित इतना गुस्सा ना किया कर यार, तू कितना प्यारा सा है, कितना क्यूट सा, गुस्सा ना किया कर यार बासित यार, सौ से कितने नंबर देंगे उनको? 99 नंबर सारे नंबर बासित को दे दी, बाकी कंटेस्टेंट तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, इसने सारे नंबर बासित को दे दिए। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रही है। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर शताश। पॉजिटिव चीज शताश, पॉजिटिव चीज अच्छी है यार बहुत ज्यादा। भाई आप सबको अच्छा अच्छा बोली जा रही है, सब अच्छे होते हैं ना, मतलब उसकी कोई एक स्पेशल चीज, स्पेशल चीज यस, उनका ड्रेसिंग अच्छा है, यस ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर दी यार शताश, ऑफ कोर्स आप ड्रेसिंग बहुत अच्छी कर दी। नेगेटिव चीज, नेगेटिव आपने यूं किया शताश की, शताश के नाम पे आपने ऐसे क्यों किया? अरे यार शताश देख लो इसने यूं किया शताश, सबसे बेकार वही खेलती है यूट्यूबर्स की टीम में, सबसे बेकार लड़की है शताश यार, ऐसी बात नहीं। अच्छा सौ में से कितने नंबर देंगे शताश को? 95 नंबर्स, वाह यार शताश 95 नंबर्स मिले आपको। ओके मास शब्द है, वो तो ही साला बेकार, क्या हो गया ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा है वो, ठीक हाँ। है अच्छा उसकी पॉजिटिव चीज बताएं पर। वो मतलब मास के नीचे मुझे अच्छी लगती है, वो बहुत ज्यादा समझदार, मतलब समझाने मतलब उनके दिमाग में पता नहीं कि चल रहा होता है ना, मतलब कहती हूँ कि मुझे आपके ऐसा बनना है, वो बहुत ज्यादा मतलब मास समझदार लगता है, बहुत ज्यादा समझदार है, वो बहुत समझदारी से काम करते हैं। ओके नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज जब उनको यही सेम गुस्सा आते हैं तो फिर उनको पता नहीं होता वो क्या कर कह रहे हैं और क्या नहीं, मतलब जज्बाती बहुत ज्यादा। 100 में से कितने नंबर देंगे? 98 नंबर, गुड यार मास बहुत अच्छे नंबर मिले आपको 98। ओके उमेर मुगल, उमेर भाई बहुत ज्यादा ना मतलब, अच्छा आपने सबके सबके आपने नाम लिए लेकिन आपने उमेर को भाई क्यों बोला? उमेर भाई करके मैं बिलाल भाई, बिलाल को भी बिलाल भाई बोलती हूं। अच्छा 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 ठीक है, तो उमेर मुगल की कोई पॉजिटिव चीज? उनकी पॉजिटिव चीज वो भी समझाते हैं मुझे ना, जब okay. जब उनको लगता है कि मैं कहीं अकेली हूँ तो वो मुझे आके मतलब सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं कैसे नहीं ऐसा होता रहता okay, है, समझाने में बहुत अच्छा है वो। बहुत okay. हाँ। उसकी नेगेटिव चीज? नेगेटिव चीज तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। ओके okay. उसको कितने नंबर देंगे आप? 90। ओके हमारे गेम शो के कंटेस्टेंट में से एक भूत है, भूत कौन? भूत कशफ। अरे ऐसे क्यों, किसी लड़की के लिए ऐसे नहीं तो भाई, माज ने व्लॉग में थंबनेल लगाया था भूत करके, मजाक। अच्छा मतलब तो हमारा भी मजा आ गया उसके साथ, कशप के साथ, कशप शफक, मेरी दोस्त भूत बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी कशप, सॉरी कशप, सॉरी। उसकी 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 पॉजिटिव चीज बताएं कशप की यार, वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा फनी है। मैं एक चीज बताऊं कशप की पॉजिटिव चीज, छोड़ो यार फिर तारीफ हो जाएगी, नेगेटिव चीज बताएं। नेगेटिव भी कोई नहीं उनमें से, नेगेटिव चीज है उसकी क्या? वो दो बंदों की जगह लेके बैठती है एक साथ। उफ अल्लाह, किस किसके लिए दो बंदे, कौन दो बंदे? अल्लाह यार मतलब उसकी जो कुर्सी है वो नहीं बिल्कुल ठीक आती है वो इसको फॉल यार देख लो बच्चा, मैंने कुछ नहीं बोला, जो बोला इसने बोला। अच्छा 100 में से कितने नंबर देंगे आप उसको कशफ को? 95 नंबर। 5 नंबर किस चीज से काटे आपने कशफ? 5 नंबर बताएं ओके। अच्छा जी लारेब खालिद, मेरे बारे में क्या बताया आपको लारेब ने अभी तक? बताया तुम बहुत चलाक हूँ। मेरे बारे में लारेब नहीं बताया आपको? तू काला बेटा, तू काला, तू सही, तूने मेरे बारे में माहिम को ये बोला कि मैं चलाऊ, तू काला। अच्छा अच्छा और उनकी पॉजिटिविटी और क्या है लारेब की? और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत सारी बातों में से कोई 3 बातें बता दें आप। आप सबके के पूछी है हाँ, तो उनकी 3 क्यों? उनकी मैं 3 इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज उसका स्पेशल दिन है, उसने देखें वो सबके लिए केक लेकर आया, उसने सबके लिए केक कटवाया, मतलब ये एक मैं समझता हूँ कि बड़े दिल की निशानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए और कोई चीज जो आपके दिमाग में हो लाइक पॉजिटिव चीज लारेब खालिद के लिए? हाँ, वो ज्यादा दिल पे मतलब बातें लेते हैं लेकिन फिर मतलब मुझसे हंस के बात करें तो वो भूल जाते हैं ना। ओके कि हाँ सब मतलब अच्छे नेचर है उनके। ओके लारेब के अच्छे नेचर है, वो सारी बातें भूल जाते हैं जो कि इंसान माजी में करता है, पास में करता है। ओके उनकी नेगेटिव चीज? नेगेटिव चीज अब सबने सबकी तो आपने नेगेटिव चीज बता दी, तो इसकी भी नेगेटिव चीज बता दें लारेब की।
सोच रही हूँ ना मैं। अच्छा सोचें सोचें सोचें, मैं घर के भाई मैं होके आ रहा हूँ। अम्मी अम्मी दही कितना लाना है, अम्मी आलू कितने लाने में लेके आ रहे हैं, जब तक ये सोच रही है। सही है, नेगेटिव चीज होगी ना यार, बिल्कुल बेकार बंदा एक नंबर का यार। लारे भी यार बिल्कुल बेकार है, एक नंबर का यार। ठीक है, कोई भी कारण नहीं है। सही है, पक्की बात है। मुझे तो वो बोंगा लगता है देखने में। बोंगे जी बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। आपको कैसे पता बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? मतलब जिस तरह उनकी बात करने का, मतलब उनको सब पता होता है। अच्छा मैं बात बताऊँ, वो सिर्फ मेकअप करके जो है ना लारे, ईमानदारी से मेकअप करके इतना प्यारा लगता है स्क्रीन में, इतना खूबसूरत है नहीं वो, इतना हैंडसम है नहीं वो लारे। मैंने देखा है उनको, खूबसूरत है वो आपकी नजर में? हाँ सही, नॉर्मल हैंडसम भी है ना। नॉर्मल क्या होता है ये बताओ, ये तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा है? नॉर्मल क्या होता है? अच्छा कवर कर रही हैं आप, बहुत चलाक है, बहुत चलाक लड़की है ये। अच्छा 100 में से कितने नंबर देंगे? चलाक लगती हूं कहीं? नहीं यार, यार भाई हम जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ फॉर फन कर रहे हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है जनाब, ये याद रखिएगा। चलिए जी, हमने कल मैंने डॉक्टर मदिया और एमजे हसन का भी इंटरव्यू किया, मैंने तो उनसे बड़े खतरनाक सवाल किए थे, लेकिन साथ साथ हम ये बात भी कर रहे थे कि जनाब आपको एंटरटेन करने के लिए सवाल कर रहे हैं ताकि आप लोग हंसे। वैसे भी कोरोना में लोग घर में बैठे हुए, एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है लोगों की। 100 में से कितने नंबर देंगे आप लारे खालिद? 96 नंबर? सीरियस, यू गेव हिम 96 मार्क्स आउट ऑफ 100? चार नंबर किस चीज के काटे आपने लारे के? बस काट दिए मैंने। तो पता काट दिए मैंने, आपको सब बता दूं मैं। भैया क्या रीजन है जो आपने चार नंबर काटे? ये घड़ी किसने दी आपको? मेरी मामी की है। आपकी? मुझे पसंद आई, मैं उतार के मामी। जब आपकी मामी है तो फिर हमारी भी मामी है, हम सबकी मामी है। मामी आप पूरे पाकिस्तान की मामी है। मामी आप पूरे पाकिस्तान की मामी है। मामी बहुत प्यारा क्यों दिया है आपने ये सोने की जो घड़ी, सोने की घड़ी? जी जी बिल्कुल सोने की जो आपने घड़ी दी है माहिन को, जिसमें डायमंड से 1-2-3 लिखी हुई है। मामी हमें भी एक ऐसी घड़ी देते हैं। मामी हम गरीब लोग हैं, लोकल घड़ी ये देखे, लोकल घड़ी पहनते हम, पानी में जाती है तो खराब हो जाती है। जो चार नंबर की चीज से काटे आपने लारिफ के? काट दिए ना, किसी से काट दिए? आप इतना प्यारा आपने इंटरव्यू किया अभी तक, हर चीज परफेक्ट आ रही है, तो इसको भी परफेक्ट करें ना हम जल्दी से। बस कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, उसके आपने चार नंबर काटे। ओके जी, तो लारे के चार नंबर इस चीज के काटेंगे, कुछ बातें होती हैं। ओके जी, और कौन रह गया? बस खत्म हो गया। नहीं ना, वो चैंपियंस में से वो रह गया एक लड़का, एक उमेर चैंपियन में, दूसरा लड़का कौन है? जैजी के बारे में बताएं। जैजी मैं ज्यादा मेरी उनसे बात नहीं है ना, तो अच्छे लगते हैं, वो सीधे साधे हैं, अपना काम करने आते हैं और चले जाते हैं ना। ओके ठीक है, उसकी नेगेटिव चीज मुझे नहीं पता उनके ज्यादा बारे में। ओके, 100 में से कितने नंबर देंगे आप? 90 नंबर देंगे। ओके जनाब, सारे लोगों का कंटेस्टेंट गेम शो के कंटेस्टेंट सारे हो गए। ओके जनाब, अच्छा आखिरी चीज, दानिश भाई के लिए आपने कुछ नहीं कहा? बोला था। अच्छा बोल दिया आपने। ओके जनाब, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। जो आपके डीएम के सवाल थे वो हमने पूरे पूछ लिए हैं, और माहिन ने हर एक एक सवाल का बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। माहिन ईमानदारी से, आपका आज ये फर्स्ट इंटरव्यू था या आप इससे पहले भी और चैनल्स पर दे चुकी हैं? अच्छा आप शुरू में लाइक आप यू नो यू आर फीलिंग एनजाइटी, आप मुझे थोड़ी सी लाइक ऐसा लग रहा था कि आप बहुत घबरा रही हैं आज। व्हेन यू सैट हियर सो यू नो आई फेल्ट यू आर फीलिंग एनजाइटी, ऐसा था? आप थोड़ा कन्फ्यूज थी? आप बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। इंटरव्यू कैसा लगा जरा इसको बता दें, जो हमने पूरा इंटरव्यू किया, सवाल किए, कैसे लगे आपको, कैसा कैसा एनवायरनमेंट लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। रही है, मैं कब से घंटे से बैठी हूँ। ओके जी, तो माहिन थक गई हैं आप? बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी थक जाती है माहिन, आप इतनी जल्दी थक गई हैं? भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया? हाँ ना। ओके, मैंगो शेक भी कर आई। चलें जनाब, तो मैंगो शेक इन्होंने पिया है, और अगर आप लाइक माहिन को बहुत पसंद करते हैं तो मैंगो शेक इनको बहुत पसंद दे, इनके लिए आप मैंगो शेक बनाकर लेकर आए, इनको गिफ्ट करें। अगली दफा अगले कंटेस्टेंट के साथ, नए सवालात के साथ, नए लाइक जगह के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए माहिन बोलेंगी और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आग की तरह फैला दें पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बोल नेटवर्क को, बोल एंटरटेनमेंट को अभी की अभी फौरन सब्सक्राइब करें। अगली दफा मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोलना जोर से नहीं, ऐसे नहीं, मजे से, और जोर से, एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ। चलो भाई, थैंक यू।